हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 2019 में पेपर हुआ है उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर जो है 27 को हुआ था, 27 जनवरी को हुआ था शायद, लेकिन हुआ 2019 में था। तो ये दो शिफ्ट हुए थे, तो दोनों शिफ्टों के पेपर देख लेते हैं। 28 को भी हुआ था, उसका अगर पेपर मिलता तो उसे भी देखेंगे। इसमें करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन हैं इसमें और 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो केवीएस में पूछे गए थे। ठीक है, तो 70 क्वेश्चंस जो हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज सबसम्ड इन जीएसटी, ए स्टेट टैक्स, यानी कि जो जीएसटी जो है स्टेट टैक्स में जोड़ा गया, जो स्टेट के अंडर में आता है वो बताना है। ऑक्ट्रॉय, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है स्टेट टैक्स आता है, मतलब स्टेट टैक्स के अंडर है। तो राइट आंसर जो होगा यहां पे वो होगा ऑक्ट्रॉय। ठीक है, ऑक्ट्रॉय जो है वो स्टेट टैक्स में आता है। वेल्थ टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, स्टैंप ड्यूटी हो, ये किस में आएंगे, सेंटर का जो टैक्स होता है उसमें। ओके, स्टेट टैक्स की अगर बात करें तो ऑक्ट्रॉय हुआ, इसके अलावा परचेज टैक्स हुआ, एंट्री टैक्स हुआ, वैट हुआ, या सेल्स टैक्स हो, लग्जरी टैक्स हो, ये सारे किसमें आते हैं, स्टेट टैक्स के अंडर आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 17th जनवरी, 7th अप्रैल, 1st अगस्त, 21st सितंबर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे बताना है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किस दिन जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो आंसर कीजिए, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो देखिए, राइट आंसर होगा यहाँ पे 7th अप्रैल। 7th अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम पूछी जा सकती है 2019 की, तो जो थीम थी इसकी वो थी हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवन एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द नियोन लैम्प वॉज इन्वेंटेड बाय, जॉर्ज क्लोड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर, विलियम कुलेन। नियोन लैंप जो है किसने इन्वेंट किया था ये बताना है, बताइए कौन सा यहां पे सही होगा। द नियोन लैंप वॉज इन्वेंटेड बाय, तो राइट आंसर जो होगा यहां पे वो होगा जॉर्ज क्लॉड। इसके अलावा और कौन था इसमें, निकोला टेस्ला। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, तो दोनों याद रखिए, निकोला टेस्ला एंड जॉर्ज क्लॉड, दोनों ही ने ही इन्वेंट किया था नियोन लैंप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन इमेज दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन ऑनलाइन मोस्ट ऑफन विद इन फॉर्म्स एंड सोशल नेटवर्क्स, बायो, सेल्फी, अवतार या ए मास्क। तो बताइए, जो हम इमेज डालते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो उसे क्या कहा जाता है, आंसर कीजिए कौन सा यहां पर सही होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेल्फी। ए सेल्फी इज एन इमेज दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन ऑनलाइन मोस्ट ऑफन विद इन फॉर्म्स एंड सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, बायो किस में आएगा, जो हम सोशल नेटवर्किंग साइट हो या वैसे हो जो अपनी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो आएगी बायो के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज पूछा था, और मास्क और अवतार तो होगा ही नहीं, ये दो तो है ही नहीं, सिर्फ बायो और सेल्फी में से बताना था, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द इंदिरा पॉइंट ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में, वो किस कंट्री के सबसे ज्यादा करीब है, बताइए कौन सा यहां पर सही होगा, किस कंट्री के निकट है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। तो राइट आंसर होगा यहां पे इंडोनेशिया, सी ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील। ब्यूनस आयर्स बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ये कैपिटल। ठीक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है ब्यूनस आयर्स कहां की कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखिए कि कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो बताइए ब्यूनस आयर किस देश की कंट्री है, वो सॉरी कैपिटल है। तो राइट आंसर आएगा यहां पे अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर अर्जेंटीना की कैपिटल है, अर्जेंटीना की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट नंबर ऑफ वन होर्न्ड रिनोसोर्स आर फाउंड इन द नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट,
रणथंबोर, काजीरंगा, बांदीपुर। तो बताइए कहां पर पाए जाती हैं सबसे ज्यादा रिनोसोर्स, कौन सा नेशनल पार्क फेमस है रिनोसोर्स के लिए। पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा यहां पे। तो राइट आंसर होगा यहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क, किसके लिए फेमस है, रिनोसोर्स के लिए। कहां पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, बताइए किस भारतीय राज्य की राजधानी है इम्फाल। तो राइट आंसर जो होगा यहां पे वो होगा मणिपुर। इम्फाल, इम्फाल जो है कहां की राजधानी है, मणिपुर की। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, तो इनमें से भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कर्क रेखा से दूर है, उसका नाम बताना है। तो बताइए कौन सा यहां पे सही होगा। आंसर कीजिए। तो देखिए राइट आंसर होगा यहां पे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है इससे दूर है। देखिए पांच सिटी हैं या पांच शहर हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब है, कौन कौन सी वो देख लेते हैं। देखिए गांधीनगर भी है, अगरतला भी है, रांची भी है, उसके अलावा जो है वो है भोपाल और आइजोल, ये है कर्क रेखा के समीप। ठीक है, पांच शहर याद रखिए, गांधीनगर, अगरतला, रांची, भोपाल और आइजोल, ये पांचों शहर जो है कर्क रेखा के समीप है, भुवनेश्वर नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार। मैंने बताया था आपको जब हमने फेस्टिवल वाली की कि हॉर्नबिल फेस्टिवल हो या जलीकट्टू हो, ये दो जो है जरूर पूछे जाते हैं, इनमें से कोई एक ना एक जो है जरूर आता है पेपर में। तो बताइए अब हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या बिहार। तो राइट आंसर आएगा नागालैंड, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑन फॉर्मेशन द आजाद हिंद फोर्स वेंट इनटू एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन द सेक्टर, बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमा। तो आजाद हिंद फोर्स बनाने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने मतलब किसके खिलाफ जो है कहां पर जो है एक्शन लिया था, वही बताना है, बताइए कहां पर लिया था एक्शन, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ एक्शन कौन सी जगह पे लिया था आजाद हिंद फोर्स ने। तो राइट आंसर आएगा इम्फाल, कोहिमा, डी ऑप्शन जो है यहां पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल इज वर्शिप्ड इन द पोला फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, लॉयन, बुल, एलिफेंट, स्नेक। पोला फेस्टिवल जो होता है महाराष्ट्र में, उस उसमें जो है किस एनिमल की पूजा की जाती है, ये पूछा है इसमें। तो बताइए कौन से एनिमल की पूजा की जाती है पोला फेस्टिवल में, जो महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल है पोला फेस्टिवल। आंसर कीजिए लॉयन, एलिफेंट, बुल या फिर स्नेक, कौन सा आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। राइट आंसर आएगा यहाँ पे बुल की, बुल की पूजा की जाती है पोला फेस्टिवल में। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, राज्यसभा। तो बताइए भारतीय संविधान जो है ये किसे अधिकार देता है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का, इनमें से किसके पास अधिकार है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ये पूछा जा सकता है, तो अभी अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। ठीक है, और ये है 15th अटॉर्नी जनरल, ये भी पूछ सकते हैं कि किस नंबर के हैं, तो याद रखिए 15th अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द राइस टेक कंपनी ऑफ अटेम्प्टेड टू
पेटेंट बासमती राइस इन द 1900? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो बताइए, बासमती राइस का जो है 1900 में जो है पेटेंट का ये जो अधिकार था ये किसने ले लिया था? राइस टेक कंपनी, बतानी है कि कहां की है ये, जिन्होंने ये बासमती राइस का अधिकार लिया था। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइस टेक कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए अटेम्प्ट टू पेटेंट बासमती राइस इन द 1900। ओके, पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखिए इसका। नेक्स्ट देखिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय राफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मेनक लाल मुंशी। बहुत सारे नए क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है। तो पेपर को करने का यही फायदा है कि हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए, ये भी एक नया क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिला होगा आपको ये पेपर में। तो बताइए यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, किसने लिखा था इसे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है, ये ओरिजिनली किसके द्वारा लिखा गया? राफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल मेनक लाल मुंशी? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायणन रायजादा के द्वारा। सी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज महात्मा गांधी ट्रेवलिंग टू इन साउथ अफ्रीका व्हेन ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन? प्रिटोरिया, जोन्सबर्ग, केम टाउन, डरबन। तो पूछा गया कि महात्मा गांधी जो है कहां जा रहे थे जब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, उस जगह का नाम बताइए जहां पर वो जा रहे थे, बताइए। उन्हें उतारा गया था पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा गया कि वो जा कहां रहे थे, कहां ट्रेवल कर रहे थे, उन्हें पहुंचना कहां था? तो राइट आंसर आएगा प्रिटोरिया, ठीक है, ए ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद असम? नोटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। तो बताइए कौन सा फोक डांस जो है वो असम से रिलेटेड है? कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी हम पहले, नोटंकी और कथकली तो जो है केरल का क्लासिकल डांस है, नोटंकी जो है उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, और गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो बचा बिहू, तो बिहू जो है असम का फोक डांस है, तो सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल बैंक अकाउंट ओपन्ड अंडर द वर टू हैव एन ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 5,000 रुपीज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या अटल पेंशन योजना? तो पूछा गया कि किस जो है योजना के तहत जो है जो ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो 5,000 रुपीज है। तो बताइए किस योजना के अंतर्गत है सारे बैंक जो है वो ओपन, मतलब बैंक अकाउंट जो है ओपन हो सकता है किसी भी बैंक में, ठीक है, आंसर कीजिए कौन सी योजना है। तो राइट आंसर आएगा यहां पे प्रधानमंत्री जनधन योजना, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द मौर्या एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मगधा विच इज इन प्रेजेंट डे कॉल्ड? वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जो था वो कहां पर एस्टेब्लिश हुआ था? मगध में। अभी बताना है कि उसे प्रेजेंट डे में क्या कहा जाता है, ठीक है। मौर्य एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो बताइए प्रेजेंट डे में उसे क्या कहा जाता है? और मौर्य मतलब मगध की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? पटना। और पटना कहां पर है? बिहार में। तो सी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, G20, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो बताना है कि भारत इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भारत नहीं है?
राइट आंसर कीजिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत नहीं है शामिल। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे G20। ठीक है, G20 में जो है भारत नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वुमेन टीम ऑफ विच कंट्री वॉन द 2018 कैरम वर्ल्ड कप हेल्ड इन साउथ कोरिया। जापान, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो किस जो है टीम ने जो है 2018 का कैरम वर्ल्ड कप जीता है जो साउथ कोरिया में हुआ था, बताइए कौन सा आंसर जो है यहां पे होगा, किसने जीता है ये वर्ल्ड कप कैरम का। वुमेन्स टीम की बात हो रही है, मेंस की नहीं। तो राइट आंसर जो होगा यहां पे वो होगा इंडिया। इंडिया ने जीता है कैरम वर्ल्ड कप 2018 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 इंडेक्स बाय द वर्ल्ड बैंक। 15th, 115th, 200th या 100th। तो इंडिया की रैंक बतानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो देखिए इसमें ना ऑप्शन गलत कर रखा है। 2018 के अनुसार जो है भारत की जो रैंक है वो है 77th, और 100 जो थी वो थी 2017 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर फिर वो आंसर अगर सही मानेंगे तो 100 ही मानेंगे, बट याद रखिए 2017 में थी 100 पोजीशन पर और 2018 में 77th पोजीशन पे था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द NDA वॉज नेम्ड द ब्लॉक इन ऑनर ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन। तो बताइए NDA का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम बदला गया है, क्या रखा गया है उसका नाम, ये बताना है। केनिया, तंजानिया, सुडान या युगांडा ब्लॉक, किसके नाम पर रखा गया है, आंसर कीजिए। करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहां आएगा वॉज नेम द सुडान ब्लॉक, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू हिट ए सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट बाय स्कोरिंग 103 रन इन 51 बॉल्स। अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बॉबी जॉर्ज या अनुराधा बिस्वाल। पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाया है, सेंचुरी बनाई है, उनका नाम बताइए कौन है वो, आंसर कीजिए, क्या यहां पे सही होगा। तो राइट आंसर होगा यहां पे हरमनप्रीत कौर, इन्होंने जो है सेंचुरी लगाई है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग अनयूज्ड और डैमेज प्लेटलेट्स। थायराइड, पैनक्रियाज, स्प्लीन या बोन मैरो। अनयूज्ड और डैमेज प्लेटलेट्स को जो है हटाने का काम कौन करता है इसमें से, कौन सा ऑर्गन, बताइए आंसर क्या होगा यहां पे। तो राइट आंसर होगा स्प्लीन। ठीक है, ये काम कौन करता है, स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एलॉय रोज गोल्ड कंटेन विच अदर मेटल बिसाइड गोल्ड। प्लैटिनम, सिल्वर, क्रोमियम या कॉपर। रोज गोल्ड जो होता है उसमें गोल्ड तो होता ही है, उसके अलावा और कौन सी जो है मेटल होती है उसका नाम बताना है। तो आंसर कीजिए इनमें से कौन सी मेटल और होती है रोज गोल्ड में, गोल्ड के अलावा, बताइए कौन सा सही होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर का भी यूज होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द मोनोमर कैप्रोल केटम इज पॉलीमराइज्ड टू ऑब्टेन विच पॉलीमर। टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, बेकलाइट या केवलर। बताइए क्या आएगा यहां पे सही आंसर, किस पॉलीमर को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है पॉलीमराइज्ड कैप्रोलेक्टम को। राइट आंसर आएगा नाइलॉन 6 को ऑब्टेन करने के लिए, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पावर आर M1L2T-2, M1L3T-2, M1L2T-3, M1L3T-3। ठीक है, पावर का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, बताइए पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होता है इसमें से। तो राइट आंसर होगा M1L2T-3, बी ऑप्शन जो है सही होगा।
नेक्स्ट देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट, ब्राइनस्टोन, जिप्सम, क्वार्ट्ज। तो ये बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है, इसमें से किस चीज को इस तरीके से लिखा जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। आंसर कीजिए कि ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। तो राइट आंसर होगा यहां पे जिप्सम। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्गीस कुरियन वॉज नेम्ड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बाय लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी नंदा, इंदिरा गांधी, वीवी ग्री। किसके द्वारा जो है चेयरमैन बनाया गया था, मतलब वर्गीस कुरियन को, NDDB का। आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिलेगा, हमने वर्गीस कुरियन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं। NDDB कब बना ये देखा हमने, वर्गीस कुरियन को फादर कहा जाता है मिल्क प्रोडक्शन का या व्हाइट रिवोल्यूशन का, ठीक है, या फिर व्हाइट रिवोल्यूशन है किससे रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन पढ़े। ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला होगा आपको कि उन्हें उसका चेयरमैन बनाया किसने था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो बताइए किसके द्वारा जो है NDDB का चेयरमैन बनाया गया था, वर्गीस कुरियन को, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या वीवी गिरी। तो राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स डज द कंटेन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैव, 15, 20, 25, 30। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं अभी, प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट में कितने भाग हैं। बताइए कितने भाग हैं भारतीय संविधान में। राइट आंसर होगा 25। जब संविधान बना था तो 22 भाग थे और अब कितने हैं, 25 भाग। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द मुगल एम्परर जहांगीर बिल्ट द शालीमार गार्डन इन दिल्ली, बलूचिस्तान, ओध या कश्मीर। शालीमार गार्डन जो है मुगल एम्परर जहांगीर ने कहां पर बनवाया था, बताइए शालीमार गार्डन कहां पर है। आंसर कीजिए, तो देखिए शालीमार गार्डन है कश्मीर में, किसने बनवाया इसे, मुगल एम्परर जहांगीर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एनुअल इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव इज हेल्ड इन पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल हुआ था, म्यूजिक फेस्टिवल स्वामी गंधर्व भीमसेन महोत्सव, ये कहां पर हुआ ये बताना आपको। ये हमने करंट के क्वेश्चन में किया था पहले भी क्वेश्चन, तो बताइए कहां पर हुआ था ये। तो राइट आंसर होगा पुणे में, कहां पर हुआ था, पुणे में, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलाहाबाद बैंक या UCO बैंक। सबसे पुराना बैंक बताना है इसमें से कौन सा है इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, सरकारी बैंक बताइए कौन सा इसमें सबसे पुराना है। तो राइट आंसर होगा अलाहाबाद बैंक, सी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट अलोंग द रिवर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पर फली फूली थी, ये बताना है। तो आंसर कीजिए कौन सी रिवर है वो, तो राइट आंसर आएगा सरस्वती रिवर, डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज कंसीव्ड इन जुलाई 1944 एट द यूनाइटेड नेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या IMF। तो देखिए 1944 में जो है कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कंसीव की गई थी, बनाई गई थी यानी कि, तो बताइए कौन सी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनमें से, WTO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है या IMF है, जो 1944 में बनी थी। तो राइट आंसर होगा यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ओके, नेक्स्ट देखिए, India's first engine less speed train 18 was developed by the Integral Coach Factory, Chittaranjan, Patiala, Chennai या Kapurthala। First engine less, ठीक है, पहली engine less speed train जिसका नाम है train 18, किसने developed की है वो,
द ये कौन सी कोच फैक्ट्री नहीं, कहाँ की कोच फैक्ट्री है वो ये जिसके द्वारा डेवलप की गई ट्रेन 18। तो राइट आंसर आएगा चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी यानी कि स्वप्ना इज लोकेटेड नियर हैदराबाद, पुणे, भोपाल या चंडीगढ़। तो बताइए किसके निकट है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, आंसर कीजिए क्या सही होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हैदराबाद, ए ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द असेंबली ऑफ विच इंडियन स्टेट वॉज डिजोल्व इन नवंबर 2018, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो 2018 में, नवंबर 2018 में कहाँ की जो है विधानसभा जो थी वो क्या कर दी गई, डिजोल्व यानी कि भंग कर दी गई। बताइए कहाँ की विधानसभा को भंग किया गया नवंबर 2018 में। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या पंजाब। तो राइट आंसर आएगा जम्मू और कश्मीर की, ठीक है, जहां पे महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी और भाजपा की पार्टी की सरकार थी, जहां पे भाजपा ने जो है समर्थन वापस ले लिया और वो भंग कर दिया, मतलब वहां पे अब क्या है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द एओर्टा बिगिंस एट द टॉप ऑफ द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एटेरियम या लेफ्ट एटेरियम। एओर्टा, एओर्टा क्या होता है, महाधमनी, किसके शीर्ष से शुरू होती है यानी कि कहाँ के टॉप से शुरू होती है, राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय और लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां दायां वलय। ठीक है, निलय या वलय ये बताना है, लेफ्ट या राइट, राइट ये बता दीजिए बस कि कहाँ से शुरू होती है महाधमनी। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय से, तो बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनाइजिंग मींस कवरिंग स्टील विद द थिन लेयर ऑफ क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल। बहुत बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन तो, ठीक है बताइए क्या होगा आंसर। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, किसकी परत चढ़ी होती है उन पर, जिंक की लेयर होती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, C60 इज ए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम अरेंज्ड एज 15 पेंटागन एंड 18 हेक्सागन्स, 18 पेंटागन्स एंड 15 हेक्सागन्स, 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स, 20 पेंटागन्स एंड 12 हेक्सागन। ठीक है, C60 क्या एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन होते हैं, मतलब 60 जिसमें कार्बन एटम होते हैं, उसे उसे अरेंज कैसे किया जाता है ये बताना था इसमें। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोयल दैट कंटेन 80% to 95% कार्बन इज पीट, इग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो बताइए कौन सा कोयला है जो कंटेन करता है 80% to 95% कार्बन। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट कोयला जो होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। डी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंडेंसेशन पॉलीमर एक्सेप्ट पोलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पोलियामाइड, पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, सिर्फ एक को छोड़कर उसका आंसर देना है, तीन क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर है सिवाय एक के, तो बताइए वो कौन सा है जो नहीं है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे वो होगा पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, पॉलिएस्टर हो, पॉलीअमाइड हो, पॉलीकार्बोनेट, ये क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हैज सेटअप एन ऑफिस इन विद अलुमनस संजीव खोसला डेजिग्नेटेड एज द ओवरसीज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो कानपुर में है, उन्होंने एक ऑफिस सेटअप किया है किस कंट्री में, यही बताना है, जिनका जो वो बनाया गया डेजिग्नेट संजीव खोसला को बनाया गया है या ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए। तो बताइए कि कहाँ पर ओपन की है इन्होंने अपनी ब्रांच, ऑफिस जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने अपना ऑफिस कहाँ पर ओपन किया है। तो राइट आंसर आएगा न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन जो है सही होगा।
नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन हैज वोन द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज सिर्फ एक नहीं जीता है, अर्थशास्त्र के लिए आंसर दीजिए वो कौन थे, किन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? तो राइट आंसर होगा यहां पे अमर्त्य सेन को। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। तो एमसी मैरी कॉम की बायोग्राफी का नाम बताना है इनमें से कि कौन सी है। आंसर कीजिए कौन सी है एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी। तो राइट आंसर आएगा यहां पे अनब्रेकेबल। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच फिल्म वोन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द 65 नेशनल फिल्म अवार्ड? बाहुबली 2 द कंक्लूजन, सीक्रेट सुपरस्टार, जोली एलएलबी 2 या हिंदी मीडियम। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है 65th नेशनल फिल्म अवार्ड में, बताइए कौन सी फिल्म ने जीता है? तो राइट आंसर आएगा बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने ये अवार्ड जीता है बेस्ट पॉपुलर फिल्म का। नेक्स्ट देखिए, द 2018 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस वॉज अवॉर्डेड टू विलियम डी नॉर्दर्स एंड पोल एम रोमर, बोथ ऑफ हुम आर फ्रॉम यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इकोनॉमिक का प्राइज इन दो ने जीता है, ये दो बंदे हैं विलियम डी नॉर्दर्स एंड पोल एम रोमर। तो बताना कि ये किस देश से रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो बताइए ये कहाँ के हैं, आंसर कीजिए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज द फ्रॉडलेंट एक्ट ऑफ अक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। मालवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। ठीक है, आजकल जो चला हुआ ना फ्रॉड केस ज्यादा होते हैं, बैंक वगैरह की डिटेल्स ले लेते हैं फोन करके, तो वो क्या है, ठीक है उसे क्या कहा जाता है, बताइए कौन सा होगा यहां पे। तो राइट आंसर होगा यहां पे फिशिंग। फिशिंग इज द फ्रॉडलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द चित्राकोट फॉल्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय। तो चित्राकोट फॉल्स के बारे में बताना है कि किस स्टेट में है ये भारत की, बताइए कहां पर है चित्राकोट फॉल्स। तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुएला इज? निकोशिया, क्विटो, सैन सेल्वेंडर, कैराकस। वेनेजुएला की जो है सिटी कैपिटल बतानी है, सॉरी बताइए वेनेजुएला की कैपिटल का नाम क्या है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे कैराकस। ठीक है, कैराकस जो है वेनेजुएला की कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव मेटल्स? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ या थोरियम। तो कौन सा रेडियो एक्टिव मेटल जो है भारत में पाया जाता है, बताइए कौन सा पाया जाता है इसमें से, राइट आंसर होगा यहाँ पे थोरियम। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? केप्री, इबिजा, तस्मानिया, रोडीज। आइलैंड स्टेट बतानी है ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, तो बताइए कौन सी है, राइट आंसर होगा तस्मानिया, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर? नासिक, नवसारी, निजामाबाद, नांदेड। तो इनमें से कौन सा जो है गोदावरी रिवर के किनारे पर स्थित नहीं है, बताइए कौन सी सिटी नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नवसारी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, Who became the president of India after the tenure of Neelam Sanjeeva Reddy? Farukuddin Ali Mohammed, Varahagiri, Venkatagiri,
ज्ञानी जेल सिंह या मोहम्मद हिदायत उल्ला। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो है भारत का प्रेसिडेंट कौन बना था ये बताना है। तो बताइए कौन बना था नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेम चंद्रगुप्त सन हु रिजाइंड बिटवीन 298 टू 272 बीसी एंड एक्सटेंडेड द एम्पायर थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन, अनिरुद्धा, बिंदुसार या वासुदेव। चंद्रगुप्त के जो है बेटे का नाम बताना है, तो बताइए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था। तो राइट आंसर आएगा यहां पे बिंदुसार, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, द ट्रेडिशनल ड्रेस वोर्न बाय द वुमेन ऑफ इज कॉल्ड मेखला चादर। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो वुमेन जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं उन्हें कहा जाता है मेखला चादर। तो वो मतलब कहाँ की हैं वो महिलाएं, तो मैंने बता दिया आंसर असम की। तो डी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। भारत का तो लिखा ही है इसके साथ, और किसका लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम, किस देश का, आंसर कीजिए। इजी क्वेश्चन है, सबका सही आएगा पता है मुझे। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बांग्लादेश। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। फर्स्ट देखते हैं, डिवाइसेस दैट एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विद इट आर कॉल्ड डिवाइस। आउटपुट, इनपुट, हार्डवेयर, स्टोरेज। तो उस डिवाइस का नाम बताना है जिसके द्वारा हम क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन। तो बताइए कौन सी डिवाइस होगी, वो इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर या स्टोरेज। बताइए किसके द्वारा हम एंटर करते हैं, किस डिवाइस के द्वारा। तो राइट आंसर आएगा इनपुट डिवाइस। स्टोरेज का क्या क्या है, स्टोर करना। हार्डवेयर क्या होती है, हार्डवेयर में तो सारी चीजें ही आती हैं। ठीक है, जितनी भी इनपुट डिवाइस है वो क्या है, हार्डवेयर है। ओके, तो ये नहीं होगा इनपुट, सॉरी हार्डवेयर में तो इनपुट डिवाइस भी आती है, आउटपुट डिवाइस भी, दोनों ही हो जाएगी, तो हार्डवेयर कट हो जाएगा, इनपुट बचा। ठीक है, इनपुट में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। तो राइट आंसर इनपुट होगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल इन स्लाइड शोज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। ब्राउजिंग ए वेबसाइट, प्लेइंग ए यूट्यूब वीडियो, प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट में हम क्या काम कर सकते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, ए बी, बी सी, ए सी या ए बी एंड सी, तीनों कर सकते हैं। तो ये कौन सा आंसर जो है यहाँ पे सही होगा, एमएस पावर पॉइंट में क्या पॉसिबल है। तो राइट आंसर आएगा प्लेइंग ए यूट्यूब वीडियो एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास, बी एंड सी जो है आंसर होगा, बी एंड सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज ओनली टू नंबर्स, जीरो एंड वन। नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, नंबर्स अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स लाइक प्लस, माइनस, स्टार, हैश, एटसेट्रा। नंबर्स एंड अल्फाबेट्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस दैट अपीयर ऑन द कीबोर्ड। तो डाटा जो है कंप्यूटर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत बार बताया मैंने आपको कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही यूज करते हैं, जीरो और वन, दो नंबर होते हैं ओनली। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन एक्सटेंशन ऑफ एम एस ऑफिस फाइल्स, एक्सएल एस एक्स, डोक एक्स, पी डी एफ एक्स, एक्सएल एस एक्स, डोक एक्स और पी पी टी एक्स, एक्सएल एस, डोक, पी डी एफ, पी पी टी, डोक और पी डी एफ। तो एम एस ऑफिस की एक्सटेंशन फाइल बतानी है कि कौन कौन सी होती है इनमें से, आंसर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो देखिए एम एस ऑफिस की एक्सटेंशन फाइल होती है एक्सएल एस एक्स, डोक एक्स और पीपीटी एक्स, तो सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग एम एस एक्सएल। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट रिजल्ट, स्टोरिंग नेम ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगर विद द घराना, प्लेइंग म्यूजिक वीडियो। तो एम एस एक्सएल मीन में से क्या काम किया जा सकता है ये बताना है आपको। तो देखिए एम एस एक्सएल में स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नेम जो है वो डाल सकते हैं बिल्कुल, प्लेइंग म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो भी प्ले हो सकती है उसमें। तो ए बी एंड सी जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, VGA इज वोलाटाइल ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, वीडियो ग्राफिक एरे या विजुअल ग्राफिक्स एरे।
विजिए की फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है। आंसर कीजिए विजिए फुल फॉर्म। राइट आंसर आएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस, मल्टीप्लेक्स, मॉड्यूलर मॉडम या डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, डिजिटल डाटा जो है कैरी करना है एनालॉग लाइंस, यानी कि डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करना हो एनालॉग में, या फिर एनालॉग को डाटा को जो है कन्वर्ट करना हो डिजिटल में, किसके द्वारा किया जाता है। दोनों ही काम जो है एक ही चीज के द्वारा होते हैं, किसके द्वारा, मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर, डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर या मॉडम। तो क्या यूज करते हैं इसके लिए, मॉडम। मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर दोनों ही होते हैं इसमें, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो मॉडम इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, वायरस या टाइम रिलेटेड बॉम्ब सीक्वेंस। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कैसे फैलता है, प्रोग्राम से प्रोग्राम में फैल जाता है, डिस्क से डिस्क में फैल जाता है, वो क्या होता है बताइए, क्या कहा जाता है उसे, उसे कहते हैं वायरस। ठीक है, वायरस ऐसे ही फैलता है, जो प्रोग्राम से प्रोग्राम में फैल जाता है, डिस्क से डिस्क में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन द वर्कशीट इज अलाइंड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एमएस एक्सेल में जो न्यूमेरिक डाटा एंटर करती है वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, सेंटर अलाइंड होता है, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड या टॉप अलाइंड। तो यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा पूछा है, जो न्यूमेरिक डाटा हम एंटर करते हैं वर्कशीट में तो वो होता है राइट अलाइंड। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर पूछता आपसे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के बारे में पूछता, जो हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वो कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक था तो राइट आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू ए न्यू लोकेशन इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लग एंड प्ले। ठीक है, देखिए जब हम माउस जो होता है उसके द्वारा किसी चीज को जो है बदलते हैं, उसकी लोकेशन चेंज, मान लीजिए पहले वो यहाँ पर था, हम उसे उठाकर यहाँ पर लेके जा रहे हैं माउस के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉपी पेस्ट होगा, कट पेस्ट होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा या प्लग एंड प्ले होगा, क्या कहा जाएगा उसे। तो राइट आंसर आएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, माउस के द्वारा जब हम लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये था, ये मतलब ये थे कुछ क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे। ठीक है, अगर 28 का पेपर अगर मिलता है तो वो भी जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें जो है करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।